हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी, जिसे यूज़ करके आप अपने डार्क सर्कल से एक ही वीक में छुटकारा पा सकेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेसिपी एक बहुत ही इफेक्टिव रेसिपी है और इसके सारे इन्ग्रीडियंट ज़्यादातर आपके घर पर ही मिल जाएंगे। इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस एक वीक में ही कर देगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ खीरा, एक आलू, पच्चीस से तीस पुदीने के पत्ते, वन टीस्पून आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल और दो टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अब आप खीरा लीजिए और अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप खीरे का छिलका उतारे बिना ही छीले को ग्रेट कर लीजिए। खीरे का छिलका डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब खीरे के छिलके के साथ ही ग्रेट कर लीजिए। खीरे का जूस आँखों को ठंडक पहुँचाता है और खीरे में माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करती हैं। खीरे में भरपूर मात्रा में वाइटामिन सी होता है, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और स्किन को फर्म एंड सपल बनाता है। खीरे में मैंगनीज, बीटा कैरोटिन, फ्लेवोनॉइड्स एंड पोटेशियम होता है, जो कि डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खीरे को ग्रेट करने के बाद उसे एक स्ट्रेनर में डाल के उसका सारा जूस अच्छी तरह निकाल लीजिए। नेक्स्ट आप आलू लीजिए और उसे भी उसके छिलके के साथ अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को लाइटन करता है। आलू में विटामिन सी, स्टार्च, विटामिन ए एंड एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को फर्म, स्मूथ एंड ब्राइट बनाते हैं। आलू को ग्रेट करके एक स्ट्रेनर से उसका भी जूस एक्सट्रैक्ट करके लिए आप रख लीजिए। नेक्स्ट आप एक ब्लेंडर में पुदीने के पत्ते डालकर उसमें दो टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। पुदीने के पत्तों को पीसने के बाद स्ट्रेनर से उसका भी जूस निकाल लीजिए। मिंट लीव्स में मेंथॉल होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और डार्क स्किन को इवन आउट करने में मदद करता है। मिंट हमारी अंडर आई स्किन को सूद एंड रीजुवेनेट करता है। मिंट में नेचुरल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। पुदीने में विटामिन सी भी होता है, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हमारे स्किन की फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी बढ़ाता है। अब एक बोल में आप 6 टेबलस्पून क्यूकम्बर जूस यानी खीरे का जूस लीजिए। नेक्स्ट उसमें आप 6 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस मिलाइए। पोटैटो जूस के बाद आप उसमें 6 टेबलस्पून ऑफ मिंट जूस यानी पुदीने का जूस मिलाइए। अब उसमें आप 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल मिलाइए। एलोवेरा जेल में बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब आप उसमें 1 टीस्पून आमंड ऑयल मिलाइए। आमंड ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी पफी आईज और डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। इस रेसिपी को यूज़ करने के मैं आपको दो तरीके बताऊँगी। पहले तरीके के लिए आप एक बोल में 4 टेबलस्पून इस मिक्सचर को ले लीजिए और उसमें 2 कॉटन पैड्स डिप करके फ्रिज में ठंडे होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट तरीके के लिए आप एक आइस ट्रे लीजिए और उस आइस ट्रे में इस मिक्सचर को डाल के उसे फ्रीज कर लीजिए। आधे घंटे बाद जब आपके आइस क्यूब्स फ्रीज हो जाएं, तो आईपैड्स को और आइस क्यूब्स को फ्रीजर से निकाल के आईपैड्स को अपने आई डार्क सर्कल्स पे ऐसे रख लीजिए। ये
आई पैड्स बिल्कुल चिल्ड होंगे तो आपके आइस के पफिनेस को एकदम रिड्यूस कर देंगे। इन आइस क्यूब्स को यूज़ करने के लिए आप जब भी आपको यूज़ करना हो एक आइस क्यूब निकालिए और अपने डार्क सर्कल्स पे इसे ऐसे रब कीजिए। आप चाहें तो इसे अपने पूरे फेस पे भी रब कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्किन को लाइटन करने में हेल्पफुल होते हैं। आप इन आइस क्यूब्स को बना के एक वीक तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको ये यूज़ करना हो आप एक आइस क्यूब निकालिए और अपने डार्क सर्कल्स पे रब कर लीजिए, या फिर दो आइस क्यूब्स निकाल के उसको डी फ्रीज करके उसमें दो कॉटन पैड्स डिप करके अपने आइस पे रख लीजिए। ये रेसिपी अगर आप हफ्ते में 7 दिन करेंगे सुबह शाम तो आपके डार्क सर्कल्स एक ही वीक में एकदम रिड्यूस हो जाएंगे। रेसिपी मैंने खुद ट्राई की हुई है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, सी माई नेक्स्ट वीडियो।